फिलहाल तो अभी अभी सनराइज हुआ है यहाँ पर, तो और बहुत ही जल्दी हम और एक नया ट्रिप प्लानिंग कर रहे हैं मेघालय के लिए। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमने वो नया गाड़ी खरीद लिया था, लेकिन क्या करें आपका एक सप्ताह हो गया गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला हमको, वो ऑफिस की वजह से छुट्टी ही नहीं मिलता है। तो आज क्या किया ना, ये गाड़ी लेके थोड़ा मॉर्निंग का राइड लेके आते हैं, और मेरे साथ है ये पंकज और चिन्मय, तो इन लोगों ने मेरे को बोला था कि इन लोगों को नया गाड़ी में घुमाना है, तो आज क्या करते हैं ना ये पूरा गुवाहाटी थोड़ा घुमा लाते हैं इन लोगों को, तो चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स अभी अभी हम ये GMC पहाड़ों के आ रहे हैं गुवाहाटी में, तो फिलहाल तो अभी अभी सनराइज हुआ है यहाँ पर, तो हमने क्या किया आप पीछे एक चिड़िया का साउंड भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, तो हम अभी क्या करते हैं ना इसका थोड़ा फीचर वगैरह डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, तो अंडर स्पेस वगैरह कितने हैं गाड़ी का, आइए एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। तो अगर आप लोग देखेंगे ये जो स्पेस है लेग स्पेस बहुत अच्छा है इसमें, हमारा हाइट 6 feet है, तो आप देख सकते हैं, सो आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल इन दिस पोजिशन, क्योंकि स्पेस अभी भी आप देख सकते बहुत है यहाँ पर। तो फिलहाल तो ये करते हैं कि और अंदर का फीचर वगैरह क्या क्या है एक बार राइड करते समय आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, तो चलिए अभी आगे निकलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं बेली व्यू, सो बेली व्यू एक ऐसा लोकेशन है गुवाहाटी में, इट कम्स टू द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ का जो नज़रिया है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, तो पंकज चिन्मय सब लोग बोल रहे हैं कि हाई डिमांड में है बेली व्यू जाना है हम लोगों को, तो अभी क्या करते हैं कि बेली व्यू की तरफ निकलते हैं। एंड इन गुवाहाटी यू कैन मिस दिस प्लेस बिकॉज गुवाहाटी आप लोग ऐसा एरिया है ना, इट इज़ द गेटवे ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट, तो अगर आप लोगों को किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आना है देन यू हैव टू कम इन गुवाहाटी, और बहुत लोगों को हमने देखा है कि जस्ट दे नो अबाउट कामाख्या एंड देर इज नथिंग एल्स टू सी इन गुवाहाटी दे फील, बट नो देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस टू बी सीन। अगर आप लोग गुवाहाटी में आके यू स्टे हियर फॉर अराउंड 1 week ऑल्सो यू कैन सी लॉट्स ऑफ लोकेशंस, और हमारा ऐसा बहुत वीडियो है खामरेंगा बिल लोनली ट्री देन देर इज पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर, तो लोकेशंस बहुत है देखने के लिए। तो अगर आप लोग गुवाहाटी में आते हैं ना तो थोड़ा प्लान करके आइए, ऐसा नहीं है कि बस गुवाहाटी में हॉल्ट करके आप लोग दूसरे एरिया में निकल जाना है, तो थोड़ा रुकिए फिर देखिए ये सिटी को थोड़ा घूमिए और थोड़ा नज़दीक से पहचानिए। वी आर गोइंग थ्रू उलूबाड़ी एरिया, उलूबाड़ी एरिया की तरफ से हम लोग जा रहे हैं, इट इज़ द बिष्णुराम फ्लाईओवर, तो ये जो है आपका ये फ्लाईओवर रेलवे स्टेशन से बहुत ही नज़दीक है, तो यहाँ से हम लोग नीचे जाके राइट टर्न ले लेंगे, देन इस बेसिकली उजान बाजार एरिया बोलते हैं उसको, खारगुली एरिया, तो वहाँ पर जाएंगे अभी जा रहे हैं नीचे से। तो बेसिकली आई बॉट दिस कार क्योंकि हमको ऑफ रोडिंग भी करना है और फैमिली को भी थोड़ा घुमाना वगैरह है, तो ऑफ रोडिंग के लिए कौन कौन सा लोकेशन आप लोग देखना पसंद करते हैं कॉमेंट सेक्शन में डालिए, ये गाड़ी लेके जाएंगे हम लोग वहाँ तक बहुत ही जल्दी, लेकिन क्या करें थोड़ा ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल होता है हम लोगों को, आप लोग तो जानते हैं नौकरी करने वाला आदमी है तो जीना हराम है हम लोगों का तो जब भी छुट्टी मिलेगा तो हम ज़रूर ये गाड़ी लेके और कहीं दूर साइट सीइंग के लिए जाएंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए कहाँ का कौन कौन सा जगह में आप लोग को जाना मतलब आप लोगों को देखना पसंद है, हम लेके जाएंगे ज़रूर आप लोगों को। तो आगे का एक बार नज़ारा देखिए, तो इस साइड से हम लोग जा रहे हैं अभी बेली व्यू, और यहाँ पर थोड़ा आप लोग देख सकते हो जो आगे है बहुत ही ग्रीनरी है, एंड इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द माइटी ब्रह्मपुत्र देयर,
अभी जाते हैं, जाके दिखाते हैं आप लोगों को एक बार। तो फाइनली आई रीच द बेली व्यू इज द साइट। तो आज का हमारा मेन मोटिव था यहाँ तक आने का गाड़ी लेके, एंड इन माई बैक साइड यू कैन सी द माइटी ब्रह्मपुत्र डैम। आई विल जस्ट गिव अ व्यू ऑफ दैट। देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये मॉर्निंग का नज़ारा। देयर यू कैन सी ए बोट, वहाँ से लोग टेक ऑफ कर सकते हैं। And there is Chinmoy sitting there and enjoying the view. और उस साइड में कुछ endurance testing चल रहा है लगता है, वहाँ पर आप देखिए। And there is my car. का पीछे में स्पेस कितना है एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। सो हियर यू कैन सी, तो ये जो ड्राइवर सीट है ये पूरा पीछे है, फिर भी हमारा स्पेस इतना बचता है। और आगे अगर आप इस सीट को पूरा आगे ले गए देन यू विल गेट मोर स्पेस इन दिस साइड। और पीछे का जो है वहाँ पर भी एक जो सेवन सीटर जो बोलते हैं पीछे दो सीट्स अवेलेबल है, वो भी एक बार खोल के दिखाते हैं आप लोगों को। देयर आर टू सीट्स, तो ये आपका बूथ स्पेस है, तो इसको हम ऐसे उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दो सीट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी एक बार देखते हैं बैठ के। तो आप लोग देख सकते हैं इतना तो आपका ये हेडरूम थोड़ा ख़त्म हो जाता है, बट यस यू कैन सीट इन दिस वे। और देन आई थिंक आगे भी अगर दो आदमी भी आराम से बैठ सकते हैं। एक बार हम चिन्मय एक बार आओ तो यहाँ पर बैठ के दिखाओ। तो अभी चिन्मय आएगा, चिन्मय भी एक बार बैठेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी आराम से दो आदमी बैठ सकते हैं, बट दिस टू सीट्स आर बेस्ट फॉर चिल्ड्रेन जिसका हाइट करीब आपका 4 feet या कुछ ऐसा, तो चिल्ड्रेन आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग ये ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा पंकज है साथ में, चिन्मय पीछे है। यहाँ का मॉर्निंग का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है, और दोपहर को तो आना मुमकिन नहीं है, इतना गर्मी है अभी गुवाहाटी में। इट्स नॉट पॉसिबल टू कम इन द आफ्टरनून। एक्चुअली हम कल भी प्लानिंग किए थे, बट इतना गर्मी है ना हम निकल नहीं पाए, तो इसलिए हम लोग प्लानिंग किया आज सुबह को, कल एक्चुअली रात को किया था कि आज आके ये थोड़ा बेली व्यू का नज़ारा देखने के लिए आएंगे, वो भी नया गाड़ी के साथ हम लोग। तो चलिए थोड़ा पीछे का व्यू वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को। तो हम लोगों ने ये बेली व्यू का साइड देख लिया,
बहुत ही खूबसूरत है। आप राइट साइड में आप देख सकते हैं मेरा, दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अभी क्या करते हैं ना, यहाँ से एक लंबा रूट लेके घर तक निकलते हैं। बाकी बढ़िया लगा गाड़ी ड्राइव करके, और जैसे कि हमने आप लोगों को पूरा स्पेस वगैरह दिखाया, पीछे का जो मिडिल रो है, लास्ट रो है एंड दिस वन, तो गाड़ी तो बहुत अच्छा है। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा गर्मी बहुत है बाहर में, इसलिए हमने आप लोगों को बोला था कि दोपहर के टाइम में आना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अभी करीब आपका टाइम हुआ है, इट्स 8:26 AM, तो 8:30 को ही पूरा हालत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अभी आके पूरा AC वगैरह ऑन कर लिया और अभी जाएगा घर में। वो आगे नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है यहाँ पर। आप लोगों को मालूम है हम लोग गारो हिल का ट्रिप लेके आ गए, वारी छोरा वगैरह पूरा देख लिया। तो और बहुत ही जल्दी हम और एक नया ट्रिप प्लानिंग कर रहे हैं मेघालय के लिए। तो मेघालय में बहुत सारे लोकेशन हम लोग जाने वाले हैं, मेरे साथ पंकज, छिन्मय सब लोग जाएंगे और दो तीन दोस्त लोग भी जाएंगे। अगर आप लोगों को कौन कौन सा साइट देखने हैं हम लोग जा रहे देखना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। बाय बाय गाइस। तो अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, सुबह को कुछ खा के नहीं गए थे, तो अभी ये पराठा खा रहे हम तीनों लोग, अभी पराठा खा के निकलेंगे। तो भाई